जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। स्वदेशी इंजन के साथ टेस्ट हुई भारत की नई स्वदेशी क्रूज मिसाइल। कोची शिपयार्ड लिमिटेड कर रही है इंडियन नेवी के लिए दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की तैयारी। भारत द्वारा अफगानिस्तान को उपहार के तौर पर दिए गए 4 MI-24 हेलीकॉप्टर्स में से अब एक हेलीकॉप्टर पर तालिबान का कब्जा। इंडियन एयरफोर्स का AI सर्चर ड्रोन पंजाब के फील्ड में हुआ क्रैश लैंड। और क्लिसरो द्वारा लॉन्च की जाएगी भारत की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03। आज के सबसे पहले डिफेंस अपडेट की शुरुआत करते हैं भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने वाली न्यूज के साथ। और वो न्यूज ये है कि आज DRDO द्वारा सफलतापूर्वक स्वदेशी तौर पर विकसित की गई इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और इससे पहले कि आप ज्यादा ही कंफ्यूज हो, हम आपको पहले क्लियर कर दें कि ITCM निर्भय क्रूज मिसाइल का ही पार्ट है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एक ऐसा वेरियंट है जिसमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इस्तेमाल की गई है। और आज जो ये ITCM मिसाइल टेस्ट की गई है, इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए स्मॉल टर्बोफैन इंजन, जिसे पहले मानिक इंजन का नाम भी दिया गया था, तो आज इस ITCM मिसाइल को इसी स्वदेशी इंजन के साथ टेस्ट किया गया है। और आज का जो टेस्ट था ये पूरी तरीके से सफल रहा है। और जबकि आने वाले दिनों में इस नई टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करने के लिए इसके और भी टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। और टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक आज के टेस्ट के दौरान इस ITCM मिसाइल ने स्वदेशी इंजन के साथ करीब 150 किलोमीटर तक उड़ान भरी थी। और जिससे में हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक इस टेस्ट को लेकर DRDO की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है। इसके अलावा आज इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड की तरफ से रुद्र हेलीकॉप्टर क्रैश वाले मामले में एक अपडेट दिया गया है। और वो यह है कि आज रंजीत सागर रिजर्वॉयर में करीब 800 मीटर की गहराई पर हेलीकॉप्टर के मलबे को तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन जो हमारे दोनों पायलट्स हैं वो अभी भी मिसिंग हैं। और इस रिकवरी ऑपरेशन में मदद के लिए यहां पर कुछ हैवी ड्यूटी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स को भी लाया जाएगा। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक INS विक्रांत के बाद कोची शिपयार्ड लिमिटेड को इंडियन नेवी के लिए दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सकता है। और ऐसा पाया गया है कि इस दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर वाले मामले में केंद्र सरकार ने कोची शिपयार्ड के साथ ऑलरेडी डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया है। और इस कोची शिपयार्ड लिमिटेड के ऑफिशियल्स को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर उन्हें एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वे उसका निर्माण कार्य 7 सालों के अंदर पूरा कर सकते हैं। हालांकि भारत का जो पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, उसके निर्माण कार्य में देरी हुई है, लेकिन उसके कई सारे कारण हैं, और जिसमें सबसे प्रमुख कारणों में से एक है चाइनीज वायरस। और जबकि कोची शिपयार्ड लिमिटेड अब अपने वहां एक नया ड्राई डॉक भी बना रही है, जिसका निर्माण कार्य 2023 यानी कि 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि शिपयार्ड को मदर वेसल्स का निर्माण कार्य और भी तेज करने में मदद करेगा। और अगर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही मिल जाता है तो एक नया ड्राई डॉक उपलब्ध होने के कारण उसका निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा हो सकेगा। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि सोमवार को भारत और इसराइल के बीच डिफेंस और इंडस्ट्रियल टाइज को और मजबूत करने के लिए काफी महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ है। और इस डिस्कशन के दौरान भारत और इसराइल के ऑनगोइंग कोऑपरेशन की भी समीक्षा की गई है। और इस बात की जानकारी इसराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले, अगर आप डिफेंस स्क्वाड को ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डिफेंस स्क्वाड को ट्विटर पर फॉलो जरूर करें। और ट्विटर पर हम 10,000 फॉलोअर्स के बेहद ही करीब हैं। उम्मीद है आप इस टारगेट को जल्द ही पूरा करने में मदद करेंगे। 2019 में भारत ने अफगानिस्तान को जो 4 MI-24 हेलीकॉप्टर्स उपहार के तौर पर दिए थे, तो ऐसी रिपोर्ट्स निकल के सामने आई हैं जिनके मुताबिक अफगानिस्तान में इन 4 MI-24 हेलीकॉप्टर्स में से एक हेलीकॉप्टर को तालिबानियों द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। और ये हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान के कुंदुज एयरबेस पर स्टेशन था। और जिस हेलीकॉप्टर को कैप्चर किया गया है, उस हेलीकॉप्टर के मेन रोटर और ऐसी अन्य जरूरी इक्विपमेंट को अफगान फोर्सेस ने पहले ही निकाल दिया था। और एक खास तौर पर इसलिए किया गया था क्योंकि इस बात की संभावना थी कि जो कुंदुज एयरबेस है, ये तालिबानियों के कैप्चर में आ जाएगा। और आपको ये भी क्लियर कर दें कि भारत ने 2015-16 में सबसे पहले 4 MI-35 हेलीकॉप्टर्स उपहार के तौर पर दिए थे। और फिर 2019 में इन्हीं 4 MI-35 हेलीकॉप्टर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर भारत ने 4 MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स उपहार के तौर पर दिए, और जिनमें से एक को तालिबानियों ने कैप्चर किया है। और ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं कि जो हेलीकॉप्टर कैप्चर हुआ है वो टेक्निकल इश्यूज के कारण काफी लंबे समय से ग्राउंडेड था। और अफगानिस्तान में बिगड़ते हुए हालातों को देखते हुए भारत ने मजार शरीफ से भी अपने करीब 50 नागरिकों को वापस बुला लिया है, और जिसके लिए भारत की तरफ से एक स्पेशल फ्लाइट चलाई गई थी। और जबकि अफगानिस्तान में जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, उन सभी के लिए इंडियन मिशन इन काबुल की तरफ से एक सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि सभी इंडियन नेशनल्स अफगानिस्तान में कॉमर्शियल एयर सर्विसेज डिसकंटिन्यू होने से पहले भारत जाने की अपने तुरंत ट्रैवल अरेंजमेंट्स करें। और जबकि वॉशिंगटन पोस्ट के साथ बात करते हुए अपना नाम ना बताने की शर्त पर एक US गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया है
कि यूएस मिलिट्री का अनुमान है कि तालिबान 3 महीने के अंदर ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कब्जा कर सकता है, और जबकि कुछ को तो इस बात का भी डर है कि ऐसा होने में 3 महीने भी नहीं लगेंगे बल्कि ये 1 महीने के अंदर भी हो सकता है। और तालिबान द्वारा फैजाबाद को कैप्चर किए जाने के बाद ही ये जो न्यूज़ है ये सामने आई है। कल पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गाँव में इंडियन एयरफोर्स के एक ड्रोन के क्रैश लैंड होने की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल इंडियन एयरफोर्स का एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट पंजाब में गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के गांव में धान के खेतों में टेक्निकल स्नैक के कारण क्रैश लैंड हुआ है। और फिर जब पुलिस ऑफिशियल्स घटनास्थल में पहुंचे तो जांच में मालूम पड़ा कि जो ड्रोन क्रैश लैंड हुआ है ये इंडियन एयरफोर्स के जम्मू बेस से है और किसी वजह से अपना कंट्रोल खोने के बाद ये गांव के इस खेत में आकर गिर गया। और क्रैश हुए ड्रोन की जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि ये इंडियन एयरफोर्स का सर्विलियंस ड्रोन IAI सर्चर है। और बाकी इंडियन एयरफोर्स ने इस क्रैश के कारणों को जानने के लिए इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया है, और इंक्वायरी के बाद ही मालूम पड़ेगा कि आखिर किस वजह से ये ड्रोन क्रैश हुआ है। और बाकी अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपनी उंगली को लाइक बटन पर जाकर लैंड कराएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आपको डिफेंस स्क्वाड के ऑफिशियल मर्चेंडाइज बाय करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के गुरेज सेक्टर में एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, और इस ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस और एक्सप्लोजिव्स बरामद हुए हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स के आधार पर लॉन्च हुआ था, और इसमें 358 राउंड्स के साथ 3 AK-47 राइफल्स, 12 AK राइफल मैगजीन, 2 पिस्टल, 217 एम्यूनिशन के साथ 4 पिस्टल मैगजीन और 16 ग्रेनेड्स भी बरामद हुए हैं। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये है कि कल भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड से GSLV-F10 रॉकेट से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EOS-03 का नाम दिया गया है, इसे लॉन्च करने के लिए तैयार है। बाकी एक रिपोर्ट यह है कि सियाचिन के पास तैराम शहर ग्लेशियर में 5 नई चोटियों पर एक साथ फतेह हासिल करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से पर्वतारोहण अभियान को लॉन्च किया गया है, और जिसके तहत इंडियन आर्मी की लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के पर्वतारोही अप्सरासा 1, अप्सरासा 2, अप्सरासा 3, 0.6940 और 0.7140 इन 5 चोटियों को एक साथ फतेह करेंगे। और इस अभियान के लिए हमारी तरफ से इंडियन आर्मी की पर्वतारोहण टीम को ऑल दी बेस्ट। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप सभी को पता है कि अब आपने क्या करना है। तो इसलिए सबसे पहले तो शुभ काम को कर दीजिए, और अगर आपने वो शुभ काम कर दिया है तो अगर आपको कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।